हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, आज हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है ना, और हर बार मतलब आप कह दीजिए कि हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कन्फर्म क्वेश्चन है। तो आज हम सारे मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर कि मॉडल्स जो कम्युनिकेशन का है, क्यों आया मॉडल, है ना, ये कम्युनिकेशन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? तो भैया, इससे पहले ये समझना पड़ेगा कम्युनिकेशन क्या है ना। तो हमने ये जाना कि कम्युनिकेशन हम उसको कहते हैं जब हम किसी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो बात उसी लहजे में, जिस लहजे में हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम उसको पहुंचा सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो उसी लहजे में उसको समझ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इट मींस अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात करने के टाइम में हमने जो पर्पस रखा था कि भाई हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि देखो ये एप्पल है, और आपको एप्पल वही समझ में आया, तो हम कहेंगे हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात यहां से आई कि कम्युनिकेशन मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हर चीज को करने का अपना एक पैटर्न होता है, बात सही है ना, हर चीज को करने का पैटर्न होता है। हम इसलिए तो रोज ऐसा नहीं करते हैं कि हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, है ना, और फिर रात में सोते हैं। ऐसा कभी देखा है कि भैया दिन भर पूरा सो रहे हैं? अब एक आध के एक्सेप्शन की अलग बात है, लेकिन सोने के लिए रात का टाइम है, काम करने के लिए दिन का टाइम है ना। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पैटर्न यही है। ठीक है जी, अब अगर ऐसा हो कि भैया हम अब रात को एकदम क्या करेंगे, रात को खाएंगे 1 बजे खाना, फिर रात को जो 8 बजे जो है वो हमारा नाश्ता होगा, और सुबह सुबह एकदम हम रात डिनर करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हर चीज का एक पैटर्न होता है, ठीक है, वैसे ही कम्युनिकेशन कैसे हो इसका एक पैटर्न होता है ना। और ये पैटर्न कौन डिसाइड करते हैं? तो ये पैटर्न अच्छे अच्छे रिसर्च डिसाइड करते हैं। कुछ लोगों ने इस पे बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च करे हैं, कुछ लोगों ने इन पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी है कि भैया कम्युनिकेशन कैसे अकर होगा, कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, कैसे हम किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करेंगे, कैसे हम किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करेंगे। अब इसी पैटर्न को कम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया गया है ना, उस पैटर्न को खोजा गया कि भैया पैटर्न क्या होगा जब हम बातचीत कर रहे होंगे किसी से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो वो पैटर्न क्या होगा। इसी पैटर्न को, इसी सिस्टम को हम कम्युनिकेशन मॉडल्स कहते हैं, है ना, किसके लिए, कम्युनिकेशन के बिहाफ पर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए गए हैं। अब उनमें से कौन कौन से मॉडल्स है, देखो लोगों ने 3 तरीके के मॉडल्स को कहा है। कौन कौन सा सर? एक मॉडल कहा कि कम्युनिकेशन जो होता है एक तरफा होता है, क्या होता है, एक तरफा होता है। कैसे एक तरफा होता है सर? अभी एक तरफा की अगर हम बात करें तो कैसे, आपको याद होगा या फिर आपके रोज के फोन में आ रहे होंगे, क्या मेल्स आते होंगे, किस चीज के मेल सर? मेल आते होंगे आपके शॉपिंग्स वाले मेल कि भैया ये प्राइस का इतना कम हो गया होगा, आप उसका रिप्लाई करते हो? नहीं सर, इसको बोलते हैं एक तरफा कम्युनिकेशन, कि आपको वो चीजें समझ में आ जा रही है ना, और आप क्या कर रहे हो, उसका रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप जाके उसको परचेज कर ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। इस पे कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। कुछ मॉडल जो है टू वे कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल कहते हैं, है ना, वो भी बनाया गया। और कुछ मॉडल है ट्रांजेक्शनल मॉडल। अब देखो फर्क क्या है दोनों में, ट्रांजेक्शनल मॉडल में और आपके इंटरैक्टिव मॉडल में क्या फर्क है ना। तो इंटरैक्टिव मॉडल जैसा कि नाम है वैसा ही है। कैसा इंटरैक्टिव? मतलब भैया आपने कुछ कहा, आपने कुछ बताया जी, सामने वाले ने देखा, उस पर लेट से फीडबैक दिया, ठीक है, ये हो गया आपको कम्युनिकेशन का इंटरैक्टिव मॉडल। एग्जांपल, अगर मैं लाइव क्लास आपके पास लेता हूं, लाइव क्लास में आप क्या करते हो, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा, आपने उसका जवाब कमेंट्स के थ्रू दिया, ठीक है, या फिर ये भी वीडियो जा रही है, अब इस वीडियो में आप क्या करोगे, इसमें कुछ सवाल पूछोगे या कुछ जवाब दोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव मॉडल। जहां पे मीडिया का, जहां पे वेब का, जहां पे
क्या बोलते हैं इसको लीड से फीडबैक जा रहा है उसको इंटरैक्टिव मॉडल कहा गया। अब बात रहा ट्रांजेक्शनल मॉडल का, ट्रांजेक्शनल मॉडल में बस एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है सर, जो मीडिया इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा आपको, इंस्टेंट जैसे लाइव क्लास वाला फीडबैक है, अगर मैं अभी बोल रहा हूं तुरंत आप उधर से रिप्लाई कर रहे हो, अभी बोला तुरंत रिप्लाई, ठीक है, वैसा जैसे क्लास में आप हो, जैसे कोई नेता अगर आपको बोल रहा हो है ना, तो वहां पे क्या करेंगे सर, वहां पे भी कभी कभी सामने वाला जब मीटिंग होती है सामने में, या क्लास में आप कोई ट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप सामने वाले टीचर से पूछते हो और आप तुरंत रिप्लाई करते हो, टीचर तुरंत आपको बता देता है ना, तो इसको जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन टाइप का चीज होती है ना, इसको ट्रांजेक्शनल मॉडल में रखा गया कि भैया कैसे टीचर पूछेगा, कैसे उसका स्टूडेंट रिप्लाई करेगा। फिर ये तीनों मॉडल्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया है और इन्हीं मॉडल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, समझ में आ गई बात। पहला एक तरफा मॉडल, फिर दो तरफा मॉडल, क्या ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल में क्या होगा, इंस्टेंट फीडबैक होगा, तुरंत, मतलब जैसे हमने आपसे सवाल पूछा आपने तुरंत उसका फीडबैक दिया। और इंटरैक्टिव मॉडल में क्या होगा, इंटरैक्टिव मॉडल में फीडबैक थोड़ा डिलेड होगा, लेट से होगा, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना, इंटरैक्टिव नाम है तो इसमें फीडबैक क्या होगा, डिलेड होगा लेकिन मिलेगा जरूर। चले आगे आते हैं, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स में, शुरू करें। जी सर, आइए शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए आप, क्या है भाई साहब बेसिक इंफॉर्मेशन, ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है नोट्स वगैरह में, तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी है नेट वाला भैया ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए अब मैं आपको जैसा कि बता रहा था मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय ऑथर्स, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके दिए। अब देखो सबसे पहला मॉडल क्या बताया गया भैया, लीनियर मॉडल। लीनियर मतलब वन वे मॉडल, है ना, एक तरफा, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जिसको कहा गया, क्या कहा गया, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी बात जिसमें आप सामने वाले को क्या कहते हो, कम्युनिकेट कर देते हो और सामने वाला समझ जाता है, फिर उसका रिप्लाई नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मतलब किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हो या मार्केट में रास्ते में चल रहे होते हो, तो आपने देखा होगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, सॉरी बड़ा बड़ा एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे होते हैं, जी सर। अब आप उसको देखे, जैसे अगर किसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में लगा हुआ है 599 rupees में वन पीस ऑफ किचन सेट, आपको समझ में आ गया वो क्या कहना चाह रहा है, जी क्या कहना चाह रहा है, भैया अपने मेरे पास आओ और ये किचन सेट ले जाओ इतना सस्ता में दे रहे, यही कहना चाह रहा है। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको उसने कुछ को नहीं कहा, बस उसने लगा दिया और आप उस बात को समझ गए, क्या हुआ, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। क्या बोलेंगे, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। कोई नेता आके आपको स्पीच दे रहा है ना, आप और आपको कन्विंस कर ले रहा है कि आप उसको वोट दें, क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, है ना। वहां तो आपको मोदी जी आते हैं स्पीच देते हैं और सब खुश है ना, तो क्या, तो इसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। चलो शुरू करें, तो इसको बोलते हैं लीनियर। अब देखो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन मॉडल दिया है, कुछ अरिस्टोटल मॉडल है, लॉसवेल मॉडल है, स्टैंडर्ड व्यूबर है, बर्लो, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है इंटरैक्टिव मॉडल, अभी बताया टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है ना, इसमें स्क्रैमम और वेस्ले मैकलन का मॉडल है, ये दो मॉडल आते हैं। और ट्रांजेक्शनल मॉडल है जिसमें यहां भी पर्सनल कम्युनिकेशन विद इमीडिएट टू वे फीडबैक, यहां भी फीडबैक होगा लेकिन इंस्टेंट तुरंत देगा, ठीक है। इसमें है बैलेंस ट्रांजिशनल मॉडल और डांस हेलिकल मॉडल, इतने सारे मॉडल्स इसमें इंक्लूड है। अब आप थोड़ा सा पहले हम बुक पे चलते हैं, इसमें देखो क्या क्या चीजें कही गई है, ठीक है, किसके बारे में, सब तीन मॉडल के बारे में कह रहा है, देयर आर थ्री मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीन मॉडल है, लीनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है, कह रहा है वैरायटी ऑफ थ्योरीज दैट सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन मूव्स लीनियरली, मतलब वन वे जा रहा है, वन एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, इन वन डायरेक्शन। मेनी ऑफ दीज थ्योरीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स एंड डिस्क्राइब कम्युनिकेशन एज ए वन वे प्रोसेस, तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। कह रहा है वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया लीनियर कम्युनिकेशन का, क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज मार्केटिंग ईमेल यू माइट रिसीव फ्रॉम योर फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड, जो आपका फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड जिसको आप पहनते हो उसका आप मार्केटिंग ईमेल जरूर आता होगा आपके पास, है ना,
जी, तो कह रहा है दिस ईमेल में इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रमोशनल डील, और उस ईमेल में क्या आता है कि भैया इतना रुपया में ये ऑफर चल रहा है, अभी तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा, आता है ना, ऐसे मेल आते होंगे। कह रहा व्हाइल यू मे ओपन द ईमेल यूज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डील टू मेक परचेज, इट इज लाइकली दैट यू चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड। तो आपको क्या करना पड़ता है उस मेल में, आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि भैया ये चीज हमको परचेज करना है या नहीं करना है। रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस, आप उस ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना। तो इसीलिए क्या बोला, इसको बोला वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। सो कह रहा था लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाई फोर मॉडल, चार मॉडल है वही अरिस्टोटल, लॉसवेल, सेनवेबर और बर्लो। अब आ जाओ इंटरक्टिव मॉडल की बात करते हैं। क्या बोला, इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहा जाता है, इंटरक्टिव मॉडल को कन्वर्जेंस मॉडल भी कहता है। क्या कह रहा है, deals with the exchange of ideas and messages taking place both the way from the sender to receiver and vice versa. Vice versa मतलब sender to receiver, receiver to sender की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, कह रहा था communication process take place between human and machine in both verbal and non-verbal. ये भी बात बिल्कुल सही है, आप वर्बली बोल सकते हो, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन होता है 110% नहीं जी। कह रहा दिस इज रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो इंटरेक्टिव मॉडल ना नए टेक्नोलॉजीज के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्या होता है कि देखो अब वेब यानी कि आपका ये हो गया, कहते हैं व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लाइव आते हो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्या है नई तरीके तो है जिसके साथ आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। हम लोग कहते हैं हेलो गाइस, आप कहते हो हाय सर कैसे हैं आप, इंटरएक्टिव मॉडल, ठीक है जी। कह रहा है इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय टू मॉडल्स, कौन सा, क्रैमर और मैकलन। अब अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन मॉडल की, तो ट्रांजेक्शन मॉडल क्या भाई साहब, ये डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस में, इंटरएक्टिव प्रोसेस विद इन सोशल रिलेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। किस संदर्भ में बात करता है, सोशल रिलेशनल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, ठीक है। और इसको जो बेस्ट डिफाइन किया गया है किसमें सर, एक बालन मॉडल में और दूसरा जो है सर डांस हेलिकल मॉडल में, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें मेन काम में, देखो क्या कहता है। सबसे पहला है सैनन वीबर मॉडल, सैनन वीबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोला, इसने बोला भाई साहब ऐसा है कि सेंडर से हम क्या करते हैं मैसेज को इन सोर्स में देते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब कि सेंडर क्या करता है, कभी भी कम्युनिकेशन की बात आएगी जब कोई कम्युनिकेट करेगा तो सबसे पहले सेंडर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को सोर्स करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को देगा, फिर वो इंफॉर्मेशन इनकोड होगा, है ना, सामने वाले के पास जाएगा, फिर सामने वाले के पास क्या जाएगा, किसी चैनल के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, किसी चैनल के थ्रू जाएगा, और उस चैनल जिस चैनल के थ्रू उसके पास पहुंचेगा वो फिर क्या करेगा, वो सुनेगा, उसको डिकोड करेगा और फिर फाइनली रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है। क्या होगा ध्यान समझिएगा, पहले सेंडर क्या करेगा, यानी कि अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूं सेंडर वो इनकोड करेगा, इनकोड करने के साथ क्या होगा, किसी चैनल के थ्रू उसके पास पहुंचेगा, फिर वहां से वो डिकोड करेगा और फिर रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर फिर फीडबैक देगा और फीडबैक देने के बाद फिर से उसी तरीके से बातें शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, प्रोसेस। मॉडल्स मींस व्हाट, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। तो सैनन वीबर ने कहा भाई साहब ये काम कर लो आप, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया जब आप चैनल पे बात करोगे ना, जब आप किसी मीडियम के थ्रू भेजोगे तो वो मीडियम के बीच में ना कभी कभी नॉइज आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉइज। फॉर एग्जांपल मैंने, मैं फोन बात कर रहा हूँ, हेलो हाँ बोलो बोलो क्या हाल चाल, हाँ ठीक है सब बढ़िया, हाँ ठीक है, उधर से कोई आ रहा है हो पपो पे पे, क्या हो रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन के मॉडल में इन्होंने कहा कि सेंडर जब इनकोड करता है चैनल के थ्रू, जब डिकोडर डिकोड होके फिर उसके रिसीवर के पास पहुंचता है, तो चैनल में जब बात हो रही होती है चैनल के थ्रू तो उस वहां पे नॉइज भी आ सकता है। ये हो गया सैनन वीबर। अब अरिस्टोटल का मॉडल, अरिस्टोटल ने बोला भैया जो भी होता है ना, जो भी चीजें होती है वो कम्युनिकेटर पे डिपेंड करता है, मतलब इसको बोल सकते हैं स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। क्या बोल सकते हैं, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। ये पूरा पूरा बेस्ड है नेताजी के भाषण पर, है ना, कि नेताजी के हाथ में है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए इसने कहा कि कम्युनिकेशन का मॉडल कैसे होगा,
स्पीकर होगा वो स्पीच देगा, ठीक है, ऑडियंस को इफेक्ट में लेके आ जाएगा। क्या करेगा? स्पीकर होगा वो स्पीच देगा और उसी ओकेजन के बिहाफ में देगा। जैसे इलेक्शन आता है तो चुनाव होते हैं, चुनाव होता है तो फिर क्या होता है, नेताजी भाषण देना शुरू करते हैं कि भैया हम तो बिजली देंगे, पानी देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, और जब चुनाव हो जाएगा तो फिर जीत के जाएंगे और फिर भूल जाएंगे, फिर इलेक्शन आएगा तब याद आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही, तो ये चीज है। तो स्पीकर सेंटर्ड स्पीच फिर ओकेजन पे देते हैं, ऑडियंस को क्या करते हैं, इफेक्ट में लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को स्पीकर सेंटर्ड मॉडल बोला गया। क्या बोला गया? अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल बोला गया। ठीक है, क्लियर है? कोई बात, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ तो बताइएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। टोटली बेस्ड ऑन स्पीकर, क्या कह रहा है ये कम्युनिकेशन मॉडल, कि ये जो मॉडल है बेस्ड है किस पे, स्पीकर पर, कि वो कितने अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो क्या करेगा, स्पीच देगा किसी ओकेजन पर और ऑडियंस को इफेक्ट में लेके आ जाएगा। उसके बाद है बर्लो का SMCR मॉडल। अब देखो SMCR मतलब सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये चार बातें कही गई। क्या है, ध्यान देंगे? आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं आपको। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, सेंडर कौन है? सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है और इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। मतलब जैसे अगर मैं बात करने की शुरुआत कर रहा हूं तो मैं सेंडर हूं, है ना जी। अब मैसेज क्या हुआ, मैसेज वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर देना चाहता है सामने वाले को, बताना चाहता है, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, है ना, किसी भी फॉर्म में होना चाहता हो सकता है। तीसरा होता है चैनल। चैनल मतलब जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं आपके साथ कैसे जुड़ रहा हूं, यूट्यूब के थ्रू, तो यूट्यूब एक चैनल हो गया। फिर होता है रिसीवर, और रिसीवर वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, अपने पास इंफॉर्मेशन आने देता है, दैट इज कॉल्ड रिसीवर, है ना जी। तो ये चार प्रोसेस होते हैं कि सेंडर सेंड करता है मैसेज को और चैनल के थ्रू भेजता है और रिसीवर को रिसीव करता है। ये बर्लो ने चार मॉडल की बात करी, SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, है ना। देखो इन्होंने बोला सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने यूज करता है, एटीट्यूड को यूज करता है, नॉलेज को यूज करता है, सोशल सिस्टम को यूज करता है। क्या करने के लिए, कंटेंट, एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड को भेजने के लिए। फिर चैनल क्या होता है, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग या टेस्टिंग, ये पांचों के थ्रू क्या होता है, चैनल के थ्रू बातें जाती है। जैसे अभी आप हियरिंग और वॉचिंग दोनों कर रहे हो, सीइंग और हियरिंग दोनों कर रहे हो, टचिंग तो नहीं पा रहा अभी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज और सोशल सिस्टम के बेस पर उसको रिसीव करेगा। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट चले, अब आ जाओ लॉसवेल कम्युनिकेशन को। देखो लॉसवेल ने कहा कि हमारे पास पांच क्वेश्चन है, उन्हीं पांच क्वेश्चंस के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना, कम्युनिकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। देखो सबसे पहले उन्होंने बोला पूछो कौन, है ना, तुम कौन, तो बोला कम्युनिकेटर है हम, है ना, क्या है, कम्युनिकेटर। बोला कैसे एनालाइज करोगे, बोलता है कंट्रोल एनालाइज। अब जैसे एग्जांपल दिया है इसमें कि वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन, है ना, वो क्या करेगा, वो आपसे बात करने आएगा, बोलेगा हेलो मैं वैक्यूम क्लीनर वाला सेल्समैन हूं, बोलता है ना आके दरवाजा नॉक करके, सेल्समैन कोई भी सेल्समैन आपके पास आता है दरवाजा नॉक करता है, बोलेगा आप बोलेंगे कौन, बोलेगा वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन। कहता है सेल्स व्हाट, क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या वाइब बेचना चाहता है, है ना, मैसेज। बोलता है कंटेंट एनालाइज करना है, मतलब कि क्या आपको बोलना है। कहता है प्रमोट्स हिज ब्रांड एज ए बेस्ट ब्रांड, वैक्यूम क्लीनर का भाई दीदी ये ना बेस्ट ब्रांड है, इस ब्रांड की चीजें आप लोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, सेज व्हाट में आ गया। तीसरा इन विच चैनल, किस तरीके से, क्या वो आपको इन विच चैनल मतलब किस मीडियम के थ्रू भेजना चाह रहा है प्रोडक्ट, क्या मीडिया एनालाइज में, क्या टेलीविजन पे आप देख रहे हो तो खरीद रहे हो, क्या वो आपके सामने जाके आपको बेच रहा है, मीडियम क्या है, ठीक है, टू होम किसको बेच रहा है, ऑडियंस क्या है आपका, मतलब जब आप बात कर रहे हो किसके साथ बात कर रहे हो, है ना, किसको कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको वो बोलिया ऑडियंस को, ऑडियंस एनालिसिस करना है। कह रहा है टू इवनिंग टीवी व्यूअर्स इन द यूएस। अब भाई देखो सिंपल सी बात है, किस टाइम में कौन से व्यूअर रहते हैं ये भी बात देखना बहुत जरूरी है। अब सुबह सुबह तुम सेल्समैन बन के और पहुंच गए एकदम किसी के घर, मूड खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए अक्सर देखना 10 11 12 बजे के बाद ही लोग सेल्स वर्कमैन वाले लोग पहुंचते हैं, है ना, क्या बात है, ताकि उनका मूड ठीक रहे तो वो बातचीत कर पाए अच्छे से,
क्लियर है बात जी। विद व्हाट इफेक्ट, किस इफेक्ट के साथ? तो बोला भैया इस इफेक्ट के साथ कि भैया हमको प्रोडक्ट बेच देना है। देखो पांच क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो। हु कम्युनिकेट कौन करेगा, हु सेड व्हाट, क्या मैसेज देगा, किस चैनल के थ्रू देगा, किसको देगा मैसेज और क्या इफेक्ट होगा उस मैसेज का। ये पांच बातें किसने कही, लॉसविल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर बात जी। ये देखो यही है, हु मतलब सेंडर या सोर्स, मतलब कहां से कौन कहे कहेगा, सेज व्हाट क्या मैसेज देगा, किस चैनल के थ्रू देगा, किसको कौन रिसीव करेगा उस मैसेज को और क्या इफेक्ट या इंपैक्ट होगा उसका। क्लियर है, ये पांचों याद रखिएगा, वीवीआई है। चलिए अगर हम बात करें इंटरैक्टिव मॉडल की, अब इंटरैक्टिव मॉडल में आते हैं। देखिए इंटरैक्टिव मॉडल की अगर हम बात करें तो इंटरैक्टिव मॉडल किसकी बात करता है सर, इंटरैक्टिव मॉडल फीडबैक की बात करता है कि डिलेड फीडबैक, मतलब लेट से फीडबैक होगा, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सोर्स होगा जी, इनकोड करेगा, मैसेज देगा, है ना, मैसेज मतलब चैनल के थ्रू सिग्नल, फिर वो डिकोड करके और डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचा देगा। ये क्यों बात कर रहा है इसे सर, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्यों कह रहा है, क्योंकि वेब की बात जब आएगी तो एक एक्सपीरियंस वाला ही जो है वो आपको मैसेज डिले पहुंचा पाएगा और फिर आप उसके तहत क्या करते हो, रिसीव करते हो और बाद में उसको फीडबैक भी देते हो, है ना। तो ये बात किसकी कर रहा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की कर रहा है। अब इस बीच में ये भी क्या बोल रहा है, ये भी बोल रहा है भैया जिस चैनल के थ्रू दोगे ना, उस चैनल में दे रहे होगे ना, तब नॉइज आ सकता है। तो याद करो नॉइज की बात और कहां कही थी हमने, नॉइज की बात यहां करी थी ना, ये देखो यहां सैनन वीवर में, तो उसी का एक्सटेंशन वाला मॉडल ये जो है आ गया, स्क्रामा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो दूसरा मॉडल है वेस्टलिक एंड मैकलिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये बात करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, किसकी बात कर रहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। आओ मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूं, देखो क्या बोल रहा है ये, देखो एक्स है, एक्स है, एक्स है, ये क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कह रहा था फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस व्हाई द मैसेज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस। बोल रहा है भाई साहब ये वो फैक्टर है जहां से मैसेज क्यों क्रिएट किया गया उस जगह से, इसकी बात करता है। तो ये वेस्ले और मैकलिंग मॉडल की बात करा इन्वायरमेंटल फैक्टर की, हर इन्वायरमेंट में किस इन्वायरमेंट में कौन सा बात करना है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा है बोल रहा है ए क्या है, इस ए को सेंडर कहा गया, बी को रिसीवर, है ना, सी को गेट कीपर और एफ को फीडबैक। ठीक है, X1, X2 और X3 क्या है, एक है सेंसरी एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो इसको बोलते हैं सेंडर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है रिसीवर। तो ये क्या है, ध्यान समझिए, X क्या है, ये फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ना, जिसकी वजह से A जो है, A क्या है सर, सेंडर मतलब यानी कम्युनिकेट करने वाला, वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है किसके थ्रू सर, बी को, सेंडर को भेज रहा है। अब यहां से फीडबैक इसको मिलेगा, ठीक है, फीडबैक मिलेगा फिर उसके पास वापस आएगा। क्लियर है बात, तो ये एक चीज बस याद रखिएगा वेस्टले और मैकलन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेस पर कम्युनिकेशन मॉडल को बनाया है, कि किस इन्वायरमेंट फैक्टर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है। क्लियर है, चले नेक्स्ट चले सर। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दो मॉडल है, एक तो है बैलेंस मॉडल और दूसरा जो है वह डांस हेलिकल मॉडल है। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये ट्रांजेक्शनल मॉडल, तो ट्रांजेक्शनल मॉडल सर इंस्टेंट फीडबैक को दर्शाता है। ठीक है, चलो ट्रांजेक्शनल मॉडल पुट फॉरवर्ड बाय बैलेंस एक्सप्लोर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इंटरपर्सनल एंड रिसीव इमीडिएट फीडबैक। वही बात बोल रहा है कि जो ट्रांजेक्शनल मॉडल है वो इंस्टेंट फीडबैक को बताता है। द अप्रोच इज दैट द फीडबैक फॉर द सेंडर इज द रिप्लाई फॉर द रिसीवर। इस अप्रोच पे कि जो फीडबैक रिसीवर का होगा, है ना, वही सेंडर के लिए क्या हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने फीडबैक दिया, उसका रिप्लाई हो गया, रिप्लाई फिर मैं करूंगा, फिर करूंगा, ऐसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। द रोल ऑफ क्यूज इज ऑल्सो हाईलाइटेड इंपैक्ट ऑफ द मैसेज फॉलोइंग आर द टू सूज दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड। देखो क्या इन्होंने दो पब्लिक, एक बोला पब्लिक सूज, एक बोला प्राइवेट सूज, तो ये क्या होगा, ये इन्वायरमेंटल सूज, है ना, और ये जो पर्सन ने थॉट और उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो प्राइवेट सूज में क्या आएगा, पर्सनल थॉट्स एंड बैकग्राउंड, और जो पब्लिक सूज में है इन्वायरमेंटल सू, है ना। कह रहा विद दिस सू द मॉडल इंट्रोड्यूस थिंग्स दैट वुड इन्फ्लुएंस व्हाट
इज थॉट एंड सेड, बोला इस शूज के बेस पर ये मॉडल क्या बताता है कि क्या इन्फ्लुएंस, क्या कहा, क्या सोचा गया और क्या कहा गया, क्या सोचा और क्या कहा गया, तो ऐसे इंपैक्ट डाल रहा है। कौन मॉडल सर? इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांजेक्शन मॉडल। उसके बाद है डांस हेलिकल मॉडल, बोल रहा है दिस मॉडल बिल्ड्स ऑन द सर्कुलर मॉडल्स, किस पे बेस है, सर्कुलर मॉडल्स पे, एंड एक्सप्लेन्स हाउ मैसेज इज इंप्रूव्ड विद द टाइम बाय यूजिंग फीडबैक। तो बोल रहा है भाई साहब कैसे मैसेजेस को डिलीवरी जो होती है ना मैसेज की या फिर कोई कंटेंट की, उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फीडबैक देने के हिसाब से, कि अगर आप टाइम टाइम पे फीडबैक दिए तो आपका मैसेज डिलीवरी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, किसी के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर फीडबैक इन्फ्लुएंस आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, है ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कुछ और सामने से कुछ फीडबैक आ गया, अब क्या करोगे, आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, है ना। तो वही कह रहा है कि दियर फीडबैक इन्फ्लुएंस आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट, विद ईच साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन आवर पूल ऑफ नॉलेज ग्रोज वाइडर एंड वी एक्सपेंड आवर सर्कल विच रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो, है ना। तो देखो भाई साहब सीधा सीधे एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो भी बात की, जैसे जस्ट एग्जाम्पल तुरंत सोचो, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपने उसको समझे, आप उसको रिप्लाई किए, फिर मेरे को समझ में, अच्छा अच्छा ये बंदा इस पोजिशन पे जाना चाह रहा है, मैं उस पोजिशन पे गया, धीरे धीरे हमारी बातें इंप्रूव होते जाएंगी और हम फिर एक कॉन्क्लूजन तक पहुंच जाएंगे। यही कह रहा है डांस हेलिकल मॉडल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना सर, कोई तकलीफ नहीं। तो टोटल तीन तरह के मॉडल, लीनियर, इंटरक्टिव और ट्रांजेक्शनल, और उसमें एक में चार, एक में दो और दूसरे में फिर दो, ठीक है। टोटल आठ मॉडल हमारे कवर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।